हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको मारुति 800 के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियां बता रहा हूं, जिससे कि आपको रास्ते में अगर कोई परेशानी आए या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको इजीली कर सकें। जैसे आप आइए, मेरे पास आइए, मैं आपको दिखाता हूं। ये मीटर है, इस मीटर में आप भी देखिए, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, मगर जैसे ही इग्निशन ऑन करेंगे इसमें तीन लाइटें दिखेंगी। ये देखिए, ये तीन लाइटें दिख रही हैं आपको। ये सबसे पहले जो है आपकी ऑयल की लाइट है। अगर आपकी गाड़ी में ऑयल लीक हो जाएगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपको ऑयल का इंडिकेशन दिखाएगा। दूसरी ये आपकी लाइट है, ये बैटरी से संबंधित कोई भी समस्या होगी आपका अल्टरनेटर वगैरह से तो ये आपको लाइट इंडिकेट करेगी। और तीसरी आपकी ये ब्रेक से संबंधित लाइट, अगर आपका ब्रेक फ्यूल वगैरह कहीं भी लीकेज हुआ तो ये आपको इंडिकेट करेगी। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है और इन लाइटों में से कोई भी लाइट बंद है तो आपको ये इंडिकेट कर देगा कि आपकी लाइट किस तरीके से कौन सी कैसे काम करेगी। आइए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने जब वो देखा कि मीटर में किस तरीके के इंडिकेशन आ रहे हैं, अगर आपकी स्टार्ट गाड़ी में कोई भी इंडिकेशन आता है तो वो इंडिकेशन आपके लिए कहीं ना कहीं कोई खतरे की निशानी बता रहा है। उस इंडिकेशन के बाद अगर वो आपके सारे इंडिकेशन भी सही आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले बंद गाड़ी को, ये इग्निशन कॉइल है, इस इग्निशन कॉइल से इसमें करंट आता है, ये करंट चेक करना है थोड़ा इस तरीके से। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सेल्फ मारा, करंट नहीं आ रहा इस टाइम इसमें, तो आपको सबसे पहले ये करंट चेक करना है। कई बार क्या होता है, इस करंट में ये डिस्ट्रीब्यूटर कैप में से ये कार्बन टूट जाया करता है या यहाँ कार्बन आ जाया करता है इसकी वजह से, या कई बार ये पॉइंट, सीबी पॉइंट बोलते हैं इसको, ये पॉइंट अगर आपका कहीं दिक्कत करता है या चिपक जाता है या गैप कम हो जाता है तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये आपको चेक करना है। उसके बाद आप ये देखिए, अगर ये आपका सब कुछ सही है तो आपको ये पेट्रोल लाइन देखनी है। इस पेट्रोल लाइन को निकाल करके और इसमें पेट्रोल चेक करना है। अगर आपका पेट्रोल बिल्कुल सही आ रहा है तो आपकी गाड़ी निश्चित स्टार्ट होगी, या फिर आपके ये बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं, कई बार ये टर्मिनल्स लूज़ हो जाते हैं, जैसे ये लूज़ पड़ा है, इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है हमारी। इसको सही ढंग से कनेक्ट कर देना है, कार्बन से जो भी साफ इसका है वो सब साफ कर देना चाहिए, उसके बाद आप गाड़ी को स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो कि मैंने आपको दी है। इसके अलावा आप कभी भी ठंडी गाड़ी में इस तरीके से रेडिएटर कभी भी गर्म गाड़ी में ना खोलें, ठंडी गाड़ी में खोलकर इसमें देखिए, देखिए पानी थोड़ा कम है, इसको हम पानी या कूलेंट से फिलअप करेंगे, और इसके रिजर्व टैंक में भी हम फिलअप करेंगे। देखिए इधर फुल और लो का निशान बना हुआ है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट देखिए, ये देखिए इसमें फुल और लो दो निशान बने हुए हैं, हमें फुल तक भरना है मैक्सिमम। अब इसका लेवल देखिए, इधर पानी यहाँ आ गया है, ये इससे कनेक्ट होता है, ये पानी इसमें आ रहा है, देखिए मैंने इसको ऊंचा कर दिया है और इसको फिलअप कर रहा हूँ। अब देखिए इधर से पानी आ रहा है, तो जैसे ही अगर ये ओवरफ्लो होगा इसका पानी वापस रिजर्व टैंक में चला जाएगा और रिजर्व टैंक का पानी इसमें आ जाएगा। ये आपकी कूलिंग सिस्टम को इफेक्टेड करता है। हमारा ये खाली हो चुका है, हम इसमें पानी कूलेंट फिर से भर देंगे।